स्पेशल ट्रांसलेशन के 21 वन थे आपका मेज़बान रफी अंसारी खादिर और आज ये बात करेंगे हम टी वर्ल्ड कप के बाईसवें मैच की और आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान बड़ा अहम मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी श्रीलंका ने आगाज तो अच्छे अंदाज में किया मगर जब नवा ओवर हुआ और इक्यानवे रन पे उनकी दो विकटें गिरी तो यकीन तो भी ये समझा जा रहा था कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की टीम जो है एक रन पर 20 ओवर बनाए और 20 ओवर में एक सौ चौवन रन बना सकी जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बैटिंग का आगाज़ किया और सात विकेटों से ये मैच जीत लिया ज़बरदस्त और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल बड़ा अहम मैच भी खेला जाएगा इस पर भी हमारी गुफगू होगी मगर आज हमारे प्रोग्राम के लिए तान क्या है जेस गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क साबित हो रहा है जेस गोल्ड हर तरह की तरह इस दफा भी शहरीों के लिए बेहतरीन मावर पैकेज लेकर आया है और यकीन तौर पर जेस गोल्ड यानी साइफ ने क्रिकेट को चाहिए कि फौरी तौर पर जेस गोल्ड का इस्तेमाल करें और बात की जाती है जेस गोल्ड की जानब से मुतारफ़ कराए गए माहवार पैकेज का नाम गोल्ड तो छः सौ निन्यानवे और गोल्ड तो छ सौ निन्यानवे निन्यानवे ए की पैकेज में आपको मिलेंगे बेशुमार डेटा जितने जेज मिनट आल नेटवर्क मिनट्स और एस एम एस वो भी बहुत कम कीपर में शामिल है अगर आप हाँ भी बार बार स्ट्रेच कार से लूट करवा कर थक कर गए हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही जेस गोल्ड स्वच करें और मुनासिब कीमत में माहवार पैकेज से फ़ायदा उठाएं ये तो थी बात जेस गोल्ड की और यकीन तो शायक क्रिकेट अगर इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे तो पूरे टूर्नामेंट में खूब ज़बरदस्त पैकेज का मज़ा भी लेंगे और हमारे साथ आज के दूसरे हैं गाना यानी कि गाला बिस्किट और गाला में है अंडे और गंदुम का बेहतरीन इंसार्ज जो देकर वो रवायती और लजीज़ है जो आप हमारे देश की पहचान है यकीन तौर तो पर गाला बिस्किट जो भी खाएगा और तो यकीन शायक है क्रिकेट मैच देखने जाए तो गाला बिस्किट को साथ लेके जाए और खा के खूब इन्जॉय करें इसीलिए तो इसीलिए हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला और गला बिस्किट के साथ करते हैं हम अपनी सकाफ़तों और रवायती को याद क्योंकि हमारे देश का रंग है हमारे देश का रंग ही निराला है ये है गाला बिस्किट का कमाल यकीन तो पर जब कहा जाता है गाला बिस्किट और जैस गोल्ड की हमने बात की तो ये हमारे इस्पॉन्सर हैं और यकीन तौर पर शायद क्रिकेट गाला बिस्किट का भी इस्तेमाल करेंगे और जैस गोल्ड का पैकेज भी लेंगे इसी हवाले से आज हमारी बात हुई और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आज जो मैच खेला गया इसके हमारे से हमारे साथ स्टोरी में मौजूद हैं जमील अहमद है साहब जिनका ताल्लुक़ एक तजिया कार है इस्पोर्ट्स के और कलम निगार भी हैं अमीर साहब हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मदर आवान साहब और ये स्पोर्ट्स तजिया कार हैं और यकीन तौर पर खेलों पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है मदर साहब असल बात हम कर अब हम बात करते हैं गाला के साथ साथ चेस के साथ और अब टी क्रिकेट की भी बात करते हैं और बात करेंगे अब यही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल कल बड़ा अहम मैच खेला जाएगा और ये देखना है कि पाकिस्तान अगर अपना मैच जीतता है तो यकीन तौर तो पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई यकीन तौर तो पर कर सकता है इसी हवाले से भी हमारी बात होगी जमीन साहब बता ये बताइएगा आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अहम मैच खेला गया श्रीलंका mm. ने बीस ओवर में एक चौवन रन बनाया और कहा जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा और तकरीबन एक सौ नब्बे रन का स्कोर दिया जाएगा तो इस बारे में क्या कहोगे देखें मैच जब शुरू हुआ ना तो लग ही रहा था कि श्रीलंका जो है ना एक अच्छा टोटल सेट करेगा क्योंकि सात ओवर तक आ, जिस तरह इन्होंने बैटिंग किए एक विकेट के नुकसान पर तकरीबन इकसठ के करीब रन इन्होंने बना लिए और नौ रन के करीब एवरेज चल रहा था और आठवें ओवर के ऊपर एडम जम्पा जब बॉलिंग करने के लिए आए हैं और एडम जम्पा के साथ जो है क्या कहते हैं फिर वो जो मिचेल स्टॉक को भी जो ना उन्होंने लगा दिया इन दोनों के जो छः ओवर थे उसके अंदर जो है इन्होंने मतलब श्रीलंकन जो बैटिंग थी उसकी कमर तोड़ के रख दी दोनों ने दो दो खिलाड़ी आउट किए एडम जम्पा ने तो इतनी शानदार बॉलिंग की चार ओवर बारह रन दो खिलाड़ी आउट और जो है मैं समझता हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए इस तरह का स्पेल करना तो मतलब जितनी भी तारीफ की जाए एडम जम्पा की वो कम है अच्छा उसके साथ वर्ल्ड क्लास बॉलर है मिचल स्टार्क

तो यानी कि पंद्रह ओवर के अंदर जाके भी सौ नहीं हुए थे फिर उसके क्या कहते के, हैं श्रीलंका के इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैच पकड़ लिया क्योंकि जब, जब एक विकेट गिरी थी ना इन दोनों ने दो दो खिलाड़ी आउट कर दिए तो पांच खिलाड़ी आउट हो गए जब पांच खिलाड़ी आउट हो गए तो वो रन रेट जो हम सोच रहे थे कि ये जो है मतलब एक मतलब बड़ा टोटल 180 तक लग रहा था कि ये आराम से कर लेंगे लेकिन जो जिस अंदर प्रोफेशनल uh, अंदाज़ में ऑस्ट्रेलिया ने कम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और उन्होंने एक रन पे उनको ला के महदूद किया और एक रन जो हैं वो मतलब लग रहा था कि जिस तरह आजकल वहाँ पर रन हो रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये 154 रन जो है ना वो कम नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन 17 ओवर के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने ये ये रन जो है ना चेस कर लिए और वो जो क्या कह कहते हैं डेविड वार्नर ने 63 रन 63 के और 37 रन एरवन फिंच तो ने किए तो उन्होंने तो मतलब मैच ही मतलब वो कर दिया ना और दोनों ने एक का जो है ना स्ट्राइक रेट एक 160 का एक का स्ट्राइक रेट एक 150 का अब जब इस स्ट्राइक रेट से जब वो वो खेलेंगे तो 17 देखिए 17 ओवर में खत्म करने का फायदा ये है कि अगर ग्रुप लीग मैचेस के अंदर कहीं नेट रन रेट पर बात आ जाती है तो नेट रन रेट पर जब बात आएगी तो ये जो 3 ओवर हैं ये, और ये का हाँ? वो काउंट की जाएंगे अच्छा, वो बहुत अच्छा, फायदा अच्छा, जमीर भाई तो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की की तो बैटिंग तो एक विकेट सात रन पे गिरी थी और उसके बाद तकरीबन जो है कहा जाता है कि अस्सी रन थे तो उस रन आप क्या समझ रहे थे कितना बड़ा स्कोर जाता तो आपके था कुछ देखे जब हम लोग तो ऐसा ही लग रहा था वन नाइन्टी के बीच में कहीं इसी जगह पर रन होंगे तो बैटिंग भी बेहतरीन चल रही थी मगर जमील भाई ने जैसे बात की कि जहे जो है जो लेग स्पिनर है उसने जिस तरीके से आके बॉल की और मिचर स्टार्क तो वैसे ही इतना अच्छा बॉलर है उसने आके जो है इनको रोका है अगर वहाँ पर अगर ये लेग स्पिनर को और मिचर स्टार्क के ऊपर भी जो है ना सारी बात है ये दोनों बॉलर जैसे स्ट्राइक बॉलर है अगर इनको थोड़ा सा वो संभल के खेल जाते तो यकीनी तौर पे इनके ओवर ख़त्म होने के बाद जो है जब आगे जो दूसरे ओवर आते तो उसमें यकीनी तौर पे ये रनस करते तो जो टारगेट हम लोगों ने जो जो एक हमें लग रहा था जिस चीज़ से खेल रहे थे उसी से तो ये लग रहा था कि ये वन सेवेंटी वन से वन नाइन्टी के बीच में जो है ये रनस जाएंगे मगर वो बॉलिंग इतनी अच्छी हुई है कि जिसकी वजह से जिन इन्होंने तीस रनस कम किए हैं तो तीस रन जो कम किए तो वो ऑस्ट्रेलिया की तो वैसे ही बहुत प्रोफेशनल टीम है और जो प्रोफेशनल ओपनर्स हैं देखें वार्नर उसके बाद आप आपके पास स्मिथ है तो उन्होंने ऐसे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है चेस पे चेस कर लेती कोई इशू नहीं था बहुत प्रोफेशनली वो जो है खेल रहे थे आप उसमें अच्छा जमीन साहब ये बताइएगा कि अभी आज की तुमने मैच देखा अब श्रीलंका की बैटिंग भी आपने देखी ऑस्ट्रेलिया की

जैसे कि हारिस रऊफ़ ने गेंदे किए जैसे कि टाइमेल मिल्स ने इंग्लैंड के टाइमेल मिल्स ने बॉलिंग की है ये जो जैसे कि मिचल्ड स्टार्क ने बॉलिंग की है ये वो बॉलर हैं कि जिनको जो है ना हर विकेट पे जो है ना मतलब हेल्प मिलेगी स्पिनर का किरदार तो अपनी जगह पर है जो अच्छे स्पिनर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं देखिए टी ट्वेंटी क्रिकेट जो है ना वो लाइन और लेंथ की जो है ना मतलब अगर आपकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ ठीक है चाहे वो स्पिनर हैं या चाहे फास्ट बॉलर हैं तो मैं समझता हूं कि वो कामयाब होंगे लेकिन अगर आपने दो गेंद इधर फेंकनी है फील्डिंग इधर ली है बॉलिंग इधर करनी है इधर फील्डिंग इधर तो आपने रन खाने लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं तो जितनी भी टीमें आई हैं वर्ल्ड कप में बड़ी तैयारी के साथ आई हैं और उनके जो कोचेज हैं नजर आ रहा है कि वो टारगेट पर अपने जो ना बॉल कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक हमने देखा है कोई बड़ा स्कोर जो है ना जो कि एक जहन में था अफगानिस्तान का हुआ है उससे बड़ा अभी तक स्कोर नहीं हुआ मतलब आप देखते हैं एक सौ तीस रन से जो है हासिल की थी जी जी बहुत बड़ी फतह थी ना साठ रन के ऊपर उन्होंने मतलब एक उनको आउट कर दिया तो अब मसला ये है कि जो आने वाले जो मैचेस हैं हमारे कल जो हमारा जो इम्पोर्टेंट मैच है अफगानिस्तान से मैच है दुबई देखिए अब काफ़ी हद तक तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना वो क्लियर है और मैं ये समझता हूँ कि लोग बहरहल कह तो रहे हैं कि जो ना मुकाबला होगा और ये देखिए उनके तीनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं खान राशिद खान बहुत अच्छे हैं है रहमान बहुत अच्छा है और मोहम्मद नबी बहुत अच्छे हैं तीनों बहुत अच्छे स्पिनर इस हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बारह ओवर जो है ना उन्होंने कर रहे हैं लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारे पास स्पिनर्स को खेलने वाले प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं जो जिस अंदाज़ में वो बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इंडियन पाकिस्तानी श्रीलंकन ये लोग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि यहाँ स्पिनर बड़े नामवर स्पिनर जो है ना पैदा हुए हैं और वही जो सिलसिला है वो जारी है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो स्पिनर तो अच्छे हैं वो दूसरों को परेशान

टीम थी नबीवी थी, थी उसकी बॉलिंग लाइन में और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऐसा नहीं है कि ये जो है वन नाइन्टी रन हो जाएंगे ये अगर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की तो मैं मेरे ख्याल में ये वन थर्टी से ऊपर नहीं जाएंगे ये लोग मतलब आपका है कि वन थर्टी से ऊपर नहीं जाएंगे जी हाँ अफगानिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी नहीं है उनके पास दो तीन बैट्समैन ऐसे हैं कि जो रन कर सकते हैं मगर उनकी लंबी लंबी उनकी जो है वो नहीं है बैटिंग लाइन आप नहीं है और पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर नहीं हैं कि जो है ना आप उसको खुला हिट कर सकें इस वक्त जो है जितने भी बॉलर हैं वो बिल्कुल अपनी पीक पर हैं आप अ, 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 देख लें फास्ट बॉलरों को देख लें सिर्फ और हमारे पास एक बॉलर इसका स्ट्रगल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हसन अली कर रहा है मेरे ख्याल में उसको उसको जो है वो बैकअप दे रहे हैं और वो कर जाएगा अपनी जगह पे जाना सही बॉलिंग क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा बॉलर है इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा उसको रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है मगर यकीनी तौर पर वो है रिदम में आ जाएगा वैसे अच्छा जी ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ कल जो हमारा मैच है तो आप क्या समझते हैं कोई चेंजिंग कोई तब्दीली का इरादा है या वही टीम खेलेगी

और पाकिस्तान जो है वो सेम टीम के साथ जाएगा पाकिस्तान ने अपने जो दो मैच खेले हैं ना रफीक भाई दोनों मैच के अगर आप मतलब तो वो करते हैं तजिया करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना पाकिस्तान ने बैटिंग जो है वो बाद में की अभी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद दोनों मेहमान तो को जारी रखेंगे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीता और उसके बाद फील्डिंग करने का फ़ैसला किया इसी तरीके से जब न्यूज़ीलैंड का भी मैच था और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया और ये दोनों फ़ैसले पाकिस्तान के हक़ में आ गए अभी देखना है कल तीसरा मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान से और अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो बैटिंग करेगा या फील्डिंग तो हमारे साथ जो तजिया कार हैं इनकी भी तजिए से कुछ फ़ायदा उठाते हैं जो मतलब अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है और अगर पाकिस्तान टॉस तो जीता है तो क्या समझते हैं कि बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग करनी चाहिए रिवायत के मुताबिक नहीं रिवायत के मुताबिक तो वही करना चाहिए जाहिर सी बात है कि फील्डिंग करना चाहिए लेकिन अब वहाँ पर जो सूरत हाल होगी ग्राउंड की ना वहाँ ड्यू फैक्टर कितना है और जो है ना अगर नहीं है तो उनकी जो बॉलिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की उसको सामने रखते हुए मे बी के जो ना कल पाकिस्तान पहले कर ले बैटिंग को जरूरी नहीं कि पाकिस्तान बाद में मतलब जाके करेगा बैटिंग लेकिन चूंकि दो मैच जीत चुका है तो इस रिवायत को बरकरार भी रख सकते हैं और जो है ना क्या कहते हैं बाद में बैटिंग करके लेकिन बाद में बैटिंग करने के लिए ये इनको जरूर जो है ना मतलब कि टारगेट जो है ना इनका 120, 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि 150 प्लस अगर होगा ना तो अफगानिस्तान के पास तीन जो है ना ऐसे स्पिनर हैं कि जिनमें से दो जो है ना वो टॉप टेन के वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हैं टी ट्वेंटी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि राशिद खान रहमान और और अब मोहम्मद नबी के होते हुए जो ना डेढ़ सौ रन अगर हो जाते हैं तो वो बहुत जो है ना फिर वो टफ़ टाइम जो है ना वो पाकिस्तान को देगा तो बज़ाहिर तो मतलब लगता है कि पाकिस्तान की मैच जीत क्योंकि जो एक मोरल इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तानी टीम जो जि जिस अंदाज में खेल रही है मोमेंटम जिस तरह लेके चल रहे हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर पहले बैटिंग करें

जाहिर सी बात है कि तजर्बा तो ज़्यादा पाकिस्तान के पास है और अब असल में ये जो क्रिकेट है ना टी ट्वेंटी क्रिकेट ये अफग़ानिस्तान को सूट करती है क्योंकि एक जारहाना मिजाज किस्म के जो खिलाड़ी हैं उनके पास और जिस अंदाज़ में वो खेलते हैं वो टी ट्वेंटी वनडे और टेस्ट को एक ही अंदाज़ में खेलते हैं ज़्यादातर लड़के उनके तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाँच छः प्लेयर उनके पास ऐसे हैं कि जो मतलब टी ट्वेंटी के अंदर जो है ना मतलब अपना एक मकाम रखते हैं तो पाकिस्तान को मतलब आसान हरीफ नहीं लेना है सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को उसी अंदाज में खेलना है जिस अंदाज में इंडिया के खिलाफ खेला जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला तो मतलब किसी तरह से भी जो है ना मतलब क्योंकि हमें देखिए रफीक भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस ग्रुप में नंबर वन होना है जब आपको नंबर वन होना है ना तो फिर आपको कोई भी मैच जो है ना लूज नहीं करना है पूरा मतलब तमाम में जीत के दस पॉइंट लेके नंबर वन जाना है ताकि आपको ग्रुप

न्यूजीलैंड के अंदर एक चीज सिर्फ यहाँ जरूर वो करूंगा कि न्यूजीलैंड अपने ग्राउंड के ऊपर तो बहुत मजबूत टीम है वहाँ लेकिन, तो लेकिन जब वो निकलते हैं वहां से तो जो दूसरे ग्राउंडों पर जाके उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नजर नहीं आई हमें तो इस, इस, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता उस मैच के अंदर पल्ला जो है ना वो भारत का जो है ना मुझे कहा जाता तो इन है इनके तो ग्राउंड छोटे हैं ग्राउंड तो छोटे हैं लेकिन चूंकि आईपीएल सारी इन्हीं ग्राउंड्स पर हुई है और इंडिया के खिलाड़ी जो है ज्यादातर अच्छा चार पांच खिलाड़ी न्यूजीलैंड के भी थे जो आई में खेल रहे थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों को यहाँ पर इन ग्राउंड पे खेलने का गुजत दो तीन माह से तजर्बा तो रहा है लेकिन इंडिया जो है इंडिया ज़्यादा खेल रहे हैं यहाँ इनके प्लेयर ज़्यादा खेले हैं तो मैं समझता हूँ कि इस मैच के अंदर अगर आप दोनों टीमों का मवाजना करते हैं तो भारत को जो है ना मतलब ये कि पर बरतरी है। मतलब कहा जा रहा जो है, है कि दुनिया के इस टूर्ना की तो आप क्या बिल्कुल इस वक्त फेवरेट टीम टूर्नामेंट में आने के बाद बन गई है टूर्नामेंट से पहले तो फेवरेट नहीं थी और सब लोग देखें जब ये टीम तौर्नम का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान के हर बंदे ने हर हर प्लेयर ने हर तजिया नगार ने सब ने जो है क्रिटिस किया कि ये टीम जो है ना बैलेंस साइड नहीं है उसके बाद फिर देखें चेंजिंग हुई उसके बाद चेंजिंग हुई, जा, जा, हुई उसके बाद एक बैलेंस टीम सामने आई और इस टीम ने जाकर बिल्कुल एक नया रूप इख्तियार किया तो ये ये सबसे बड़ी जो है ना इसमें खूबसूरती इसमें यही नजर आई है कि टूर्नामेंट से पहले फेवरेट नहीं थी पहले फेवरेट जो थी इंडिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें थी मगर टूर्नामेंट में जाने के बाद इंडिया को हराने के बाद एक इसके अंदर नई जो है आ, आ, रूप आया उसके बाद इसने फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया तो ये आ, टीम का एक तो है मॉरल जो है बहुत हाई हो गया जिसकी वजह से तो 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 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और भारत की टीम तो वो तो अभी भी फेवरेट करार देती जा रही है कि कहा जा रहा है कि ये बड़ी मजबूत टीम है इस वक्त जो अपने अपने ग्रुप के अंदर ठीक है भारत मैच आ गया उनका एक मैच बाकी है न्यूजीलैंड से

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है वो मैं समझता हूँ अपने ग्रुप में फेवरेट है और यहाँ से जो है तीनों टीमें फेवरेट हैं मगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को और इंडिया को हराने के बाद तो वो उसका एक रास्ता अपना निकल गया मगर जो सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग मैच मैं समझता हूँ क्वार्टर फाइनल क्वार्टर फाइनल फाइनल खिलाएगा वो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा जैसे कि जमील भाई ने बोला कि जैसे देखिए इंडिया की टीम जो है ना हल्की बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान ने ठीक है बिल्कुल हराया है मगर उसकी टीम पाकिस्तान की टीम आ, इंडिया की टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में बैटिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है बैटिंग जो है उसकी बहुत स्ट्रॉग है सा, आठ सात आठ नंबर तक बैटिंग जाती है और उसके ए, और इंडिया के जो है वो जो स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं और स्पिनर को इतना तो स्पिनर अच्छे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है उतनी कारकरी नजर आ गई तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रहे तो फिर क्या करेंगे? नहीं मैं इस वक्त टीम जो इंडिया है अगर कोई मैच हारती है तो हारने के बाद जब दोबारा वो ग्राउंड में आती है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली आती है और इस वक्त जो है ना उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा कि वो मतलब और इंडिया वो बहुत के, मतलब इंडिया के शायक थी भारत के मैच हारने के बाद वो तो दुआ कर रहे थे तो जो है तमाम उस पर चल रहा है बिल्कुल उसने जाहिर सी बातें जो है ना जिस तरीके से हम लोग दुआ कर रहे हैं ये वाला मैच पाकिस्तान अगर देखें वो इसलिए दुआ कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान से खुदा ना फासा न्यूजीलैंड जीत जाती तो फिर जो है उनको मैच में एक तो रन भी रन रेट भी ज़्यादा करना पड़ता और मैच भी ज़्यादा जीतना पड़ता अभी अभी यहाँ पर पोजिशन ये आ गई कि सिर्फ उसको एक सिंपली उसने जो है मैच जो है ना न्यूजीलैंड को हराना है

देखिए बात यह है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ ना तो तमाम लोगों की नज़रें जो है ना पाकिस्तान और भारत के मैच पर थी पाकिस्तान ने जिस अंदाज में आउट क्लास किया भारत को और जीता है दस विकेटों से मैच जीता है तो उसके बाद से जो है ना तमाम लोगों ने उसको फेवरेट अच्छा फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड से मैच हुआ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो उनकी जो कारदगी देख के तमाम लोगों ने कहा कि यार ये जीत जो ना ये टीम तीनों शोबों में बहुत मजबूत है देखिए किसी भी एक शोबे में अगर आप कमज़ोर होंगे ना तो फिर ये ये जो आज लोग बातें कर रहे हैं ये बातें नहीं की जाएंगी कहेंगे इनकी फील्डिंग में ज़रा यूं है, इनकी वो आज जो बातें की है पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान की फील्डिंग दोनों मैचों के अंदर जो है वो शानदार रही है और हम दुआ को हैं कि यही सिलसिला जो है पूरे टूर्नामेंट में रहे और पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप क्योंकि अब तो बहुत बढ़ गई हैं एक चीज़ ये जहन में रहे कि पाकिस्तानी टीम से इस कौम की तो बहुत बढ़ गई हैं और अब लोगों ने ये सोच लिया है

हैदर्ली अपनी जगह पे ठीक है लेकिन जिस जो एक एक वो जो पावर हिटर वाला काम है ना वो इतना यहाँ चल नहीं रहा है यहाँ पर वो वो जैसे सरफ्राज टाइप के जो प्लेयर है ना इम्प्रोवाइजर जो हैं वो मेरे ख्याल ज्यादा जो है ना वो यूजफुल रहेंगे यहाँ पर अच्छा मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने तो अपने दो मैच जीत लिए और यकीन तो जीत करके पाकिस्तान दो मैच कर एक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड राउंड पर जा रहा है इससे तो इंग्लैंड की भी पोजिशन अच्छी है तो अब आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका इतनी फेवरेट नहीं South, आ, England है जितनी कि साउथ अपना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो आज जो जिस तरीके तो से उसने बैटिंग की है अपना ऑस्ट्रेलिया ने वो बहुत ही प्रोफेशनली की है और आप उसकी बैटिंग लाइन को देखें डेप्थ कितनी है उसकी बॉलिंग में कितनी डेप्थ है तो अगर जैसे कि इंग्लैंड और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैच किसी अच्छी जगह पड़ जाता है तो जब वो खेलेगी ना तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा जैसे आज आए देख लें आज उसने वन फिफ्टी रन किस तरीके से चेस किया है। कोई उसको पता नहीं चल कि महसूस भी नहीं होगा किस तरीके से उसने खुले खुला खेला है उसने ये नहीं देखा कि बॉल जो लेना स्पिनर कैसे बॉल कर रहे हैं पिच कैसी है क्या सिलसिला क्या सिले उसे बिल्कुल अपने जिस तरीके से वो खेलते हैं उसी तरीके से क्योंकि देना ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया के अगर दो विकेटें भी गिरी हुई हुई होंगी वार्नर या आ, फेंच या स्मिथ जैसे आएंगे वो उन्होंने अपना रिदम नहीं तोड़ना उन्होंने अपना रन रेट जैसे कि पहले पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी कि जैसे अगर पाकिस्तान के दो खिलाड़ी आउट जाते हैं किसी भी टीम के दो खिलाड़ी आउट जाते हैं तो वो दो तीन ओवर चार ओवर जो है वो सेट होने में लगते हैं उसके बाद जाके अपना जो है खेलते हैं मगर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर है वो इसी वो उनका आते हैं वो अपना जारहाना अंदाज करते हैं और वो अपना उसी तरीके से खेलते हैं रन रेट को गिरने नहीं देते ग्रुप ए में हम बात करते हैं क्योंकि चैंपियन वेस्ट इंडीज़ वो वर्ल्ड कप दो मरतबा जीती है टी ट्वेंटी और अब उसकी क्या पोजिशन है आप क्या कहेंगे इस बारे में क्योंकि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद अभी तक वो कोई मैच नहीं जीती मुझे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना वो अपने एजाज का दिफा करती हुई नजर नहीं आ रही और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है बांग्लादेश के साथ वो भी दो मैच हारे हैं ये भी दो मैच हारे हैं तो इसलिए जो है ना अब और अभी आगे भी उनको मैच खेलने हैं तो क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये अपने दो दो मैच जीत चुके हैं अभी इनके दो ही दो मैच हुए दो साउथ अफ्रीका ने एक मैच खेला दो मैच खेले एक जीता एक है एक हारा है देखिए साउथ अफ्रीका को हम कभी भी कमज़ोर हरीफ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है ना मतलब बहुत मेयारी हैं तो जब इनके मैचेस आपस में अभी होने हमारे यहाँ तो जो हमारा जो ग्रुप बी है ना उसमें तो काफ़ी हद तक पोजीशन आपको क्लियर नजर आ रही है वहां पर ऐसा नहीं है वहां पर जब आपस में इनके मैचेस होंगे तो फिर जाके जो है ना जो हो जाए। कल के बाद उसके बाद भी हमें बहुत क्योंकि पाकिस्तान अगर थ्रू कर गया जीत गया फिर, ताला फिर जो हम सोच रहे हैं नंबर वन वाली बात वो नंबर वन जो है ना मतलब फिर क्योंकि एक, एक जो नफसियाती जो एक बर्तरी होती है ना कि यार हमें यार टॉप कर कर आई है और हमें ग्रुप वहाँ के ग्रुप ये नंबर दो से खेलना होगा तो ये जो, जो एक लेकर जब ये अंदर जाएंगे ना तो उसका खेल पे जो है वो पर तो बाबर आजम तीसरे नंबर पर तो इस रैंकिंग में उसे एक दर्जा भाई दर्जा अपनी आईसीसी रैंकिंग में आया तो क्या कहोगे नहीं, नहीं, तो मतलब बड़े ऑनर की बात है अगर पाकिस्तान के दो खिलाड़ी टॉप टेन के अंदर आ रहे हैं तो मतलब इसका माँ, मतलब यह है कि पाकिस्तानी टीम की जो रैंकिंग है और इन, इनकी जो अपनी जो रैंकिंग है वो दोनों ही मतलब ही कि बेहतर हुई हैं तो तो अब य, ये जो इन दोनों ने दिखाई है इस पूरे एक साल में ख़ासतौर पर रिजवान ने बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उसकी तो अपनी क्लास है ना लेकिन मैं जिस अंदाज में जिस स्ट्राइक रेट से रिजवान खेल है तो उस स्ट्राइक रेट से अगर वो खेलता रहा दो तीन साल में बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा वो जो मुझे कहा जाता है कि ये जो अपने बाबर आजम के कि ये विराट कोहली की तरह एक नाम रखते हैं, हैं।, तो हैं बाबर आजम में कोई एक ही जैसी क्वालिटी हो नहीं प्लेयर तो दोनों बहुत बड़े प्लेयर है बाबर आजम तो अभी तो काफी देखिए अभी अभी जो ना टू अर्ली है अभी बाबर का सफर बहुत लंबा है बाबर को बहुत आगे जाना है वो जो है ना अब देखें ना वो टी ट्वेंटी की जो है ना उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी भी छोड़ देनी है इसका मतलब है कोई नया कप्तान आएगा बाबर आजम का सफ़र अभी शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ बाबर ने भी बहुत आगे जाना है तो हम दो तीन साल के बाद जाके जो ना कोहली से अगर बाबर आजम का मुजना करेंगे तो मेरे ख्याल ज़्यादा मुनासिब रहेगा प्लेयर दोनों वर्ल्ड क्लास हैं और मैं इस वक्त दुनिया में चार से पांच प्लेयर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास हैं उनमें से दो ये हैं जो जो है 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 वो है, जो रूट है, और ये दो हैं तो इनको हम मतलब मगर ये बताइए है तो भी, भी हैं अब जैसे हफीज है इसके अलावा शुएब मलिक है तो यकीन तौर तो पर लग रहा कि ये तो है कि इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा क्या समझते हैं कि इन्हें मजीद आगे क्रिकेट नहीं मैं ये तो आप ये देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से तो अब जो है ना मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर खुद भी नहीं चाहेंगे कि जो है ना आगे जो है अपने आप को जो है ना करें क्योंकि जो है ना इस वक्त तो उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान की रीत जो है ना बड़ी खराब रही है कि जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना किसी प्लेयर को निकाला गया है तो मेरे ख्याल में ये दोनों प्लेयर जो है ना बड़ी इज़्ज़त से जो है ना मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद जो है निकल जाएंगे ज़्यादा बेहतर इनके लिए क्योंकि तो इस वक्त एक, एक तरीके से ये इस वक्त बेहतरीन अपना खेल पेश कर रहे हैं तो जैसे दुनिया के दूसरे मुल्क हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हुई या इंडिया हुई वो अपनी पीक पे जो है जाके जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है जो तो क्या पाकिस्तान जीतता है या हारता है क्या कहेंगे आप। नहीं, नहीं, पाकिस्तान जीतेगा मैच मैं तो मतलब ये क्योंकि पाकिस्तान जिस अंदरा खेल है एक फेवरेट टीम है और वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो खेल लिए तो ठीक है अभी उसका एक मैच हुआ है अफगानिस्तान ने भी जीता है लेकिन एक कमज़ोर हरीफ से जीता है अभी तो मैचेस अभी होना है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है ना पलड़ा बहुत भारी है हमारे साथ तो जमील और मदर रहान दोनों मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीतेगा और यकीन तौर पर कौम की दुआएं भी है मगर हमारे इस्पॉन्सर भी कुछ कह रहे हैं और इस्पॉन्सर जो है हमारे कहा जाता है कि जेज गोल्ड इसका भी एक जिक्र किया जाए और शाहकिन क्रिकेट को भी मैं मशवरा दूंगा कि फ़ौरी तौर पर एक पैकेज लें और तमाम मैच देखने जाएं ताकि आपको वक्फ़े के दौरान कभी ऐसा ना हो कि आपका पैकेज ख़त्म हो जाए और आप एक दूसरे की तरफ देखें तो गोल्ड चिखाया जाता है जेस गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट बेड नेटवर्क साबित हो रहा है जेस गोल्ड हर तरह की इतबार भी शहरी के लिए बेहतरीन माहवार पैकेज लेकर आया है जेस गोल्ड की जानब से मुतार कराए गए माहवार पैकेज का नाम गोल्ड छः सौ निन्यानवे है और गोल्ड छः सौ निन्यानवे की एक ही पैकेज आपको मिलेगा बेशुमार डेटा जिसमें जस्ट मिनट और नेटवर्क मिनट्स और एस एम एस वो भी बहुत कम कीमत में शामिल है अगर आप बार बार स्टेच कार्ड लोड करके थक गए हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही जेस गोल्ड सैवरेज स्विच करें और मुनासिब कीमत में माहवर पैकेज से फ़ायदा उठाएं और अब हम बात करेंगे दूसरे इस्पॉन्सर की, की और ये बात करेंगे हम गाला बिस्किट की और गाला बिस्किट खाएं स्टेडियम जाएं साथ में लेकर जाएं और यकीन तौर पर कि जब गाला गाला बिस्किट लेकर जाएंगे तो मज़े मज़े से वहाँ खाएँगे और मैच का भी खूब कल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला दुबई में मैच है वहाँ गाला बिस्किट का भी इस्तेमाल ज़रूर करें गाला में अंडे और गंदम का बेहतरीन इन्साज जो दे आपको रवायती लर्दत है जो हमारे वैस की पहचान इसीलिए हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला बिस्किट के साथ कहते हैं अपनी सखावती और रिवायत को क्योंकि हमारे देश का रंग ही निकाला है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है दोनों मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़